नाजरीन, आपने देखा कि सब कुछ साफ नजर आ रहा है कि मुबैना तौर पर यह गाड़ी किसकी हो सकती है और इसे कौन चला रहा होगा। लेकिन मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि पुलिस के फैसला करने से पहले इस अमीरजादे को मुल्क से बाहर भेज दिया जाएगा। तो आखिर कब तक इन अमीर लोगों की बिगड़ी हुई आवारा नशे में धुत औलादें अपनी महंगी तरीन गाड़ियों को लेकर सड़क पर चलने वाले हर गरीब, मजलूम, मासूम और बेजरर इंसान को इस तरह रोनते रहेंगे? आखिर कब तक इन अमीरों के हाथों गरीबों का इस्तेहसाल होता रहेगा? क्या इस मुल्क में इन अमीरजादों तक पहुंचने का कोई कानून नहीं जो रातों रात अपनी औलाद को बचाने के लिए उसे बैरून मुल्क तो भेज सकते हैं लेकिन उस गरीब इंसान के घर जाके एक बार भी नहीं पूछते जो अपने घर को चलाने वाला, उसे दो वक्त की रोटी फराहम करने वाला वो वाहिद सरबरा था? क्या उसके घर वाले जिंदा कैसे रह रहे होंगे? नाजरीन, अब वो वक्त आ गया है कि हम सब मिलकर ऐसे अमीरजादों के खिलाफ आवाज उठाएं। जुल्म उस वक्त तक जिंदा रहता है जब इंसाफ मर जाता है। तो आए हम सब मिलकर इस इंसाफ को जगाएं ताकि जालिम खुद ब खुद सो जाए। याद रखिएगा, हम सब की आवाजें चीखों पुकार बनकर हर तरफ गूंजेगी और जालिम को झंझोड़ कर रख देगी।